चलिए मेरे साथ सपनों के शहर, सपने पूरे करने के लिए कुछ नया देखने, नया महसूस करने और कुछ नया अनुभव करने, इस मौसम का मज़ा लेते हुए जिंदगी के भागम भाग से थोड़ा दूर, जिंदगी के कुछ पल खुद के लिए जीने, जिंदगी बनाते हुए भूला हुआ वो बचपन फिर से जीने के लिए। हेलो गाइस, आई एम निकेत भंडारी फ्रॉम हैदराबाद एंड वेलकम टू द चैनल सोलफुल हसल। आज है फ्राइडे 23rd सितंबर। पूरा एक साल रुकने के बाद हम एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे एंड अगर टाइम मिले तो मुंबई भी, और पुणे के आसपास के जगह को कवर करने की कोशिश करता हूँ। इट्स 7:30 AM एंड लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सिर्फ दो बैग्स मेरे हैं, ग्रीन और रेड, बाकी मत पूछो किसके हैं। और ज़रूरत के लिए एक पूरा केस ऑफ वाटर कैन लेके जा रहे हैं जिसमें 16 बॉटल होंगे। तो ये मैप्स बता रहा है कि हमको पूरे 10 घंटे लगेंगे और इवनिंग 5:30 तक हम पुणे पहुंचेंगे बिना रुक के चले। तो थैंक यू। तो मुझे बीच रास्ते में टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने के लिए। हम लोग सोलापुर के पास रुके थे और लंच किए वहाँ से, और बीच में रुक रुक के थोड़ा लेक्स को एंजॉय करते हुए फ़ोटोज़ सेल्फीज़ खींचते हुए हम लोग यहाँ पे तकरीबन 8:30 बजे आए। अराउंड 12 आवर्स लगा हमको, 12.5 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे बीच में हम लोग खाना खाने के लिए, कोई अच्छे जगह पे चाय पीने के लिए या जस्ट फोटोज़ खींचने के लिए रुके थे। ये हिल्टन होटल इंजेवाड़ी पुणे। ये होटल का एक अच्छी बात है कि यहाँ पे दोनों स्विमिंग पूल भी है और जिम भी है, जितना टाइम मिले उतना यूज़ कर लो। और अभी के लिए तो इतना टायर्ड हो गया 13 आवर्स ड्राइव करके, तो सिर्फ खाना मंगाए, खा रहे हैं और सो रहे हैं। तो हमारा डे स्टार्ट होगा कल। पुणे का व्यू फ्रॉम द होटल, बढ़िया है ना? पुणे का मौसम बहुत ही प्यारा है, फुल विद क्लाउड्स। होप कि बारिश ही ना हो आज, ऐसा ही हो।
हल्का फुल्का सा गर्मी और थोड़ा बहुत ठंडी हवा शाम को, मज़ा आ जाएगा आज घूमने में। शाम को जाएंगे हम कहाँ पे? मेरी दीदी यहाँ पे रहती थी समर अराउंड 2012 टाइम, 8 साल 10 साल पहले। तो हम पुणे बहुत आते थे उस वक्त, और बहुत सारी मेमोरीज है उस प्लेस के अराउंड, खाने की, पानी पूरी, मिसल पाव, वो सब हम खाते थे, स्ट्रीट फूड, कुल्फी एंड ऑल दैट। सो हम उस प्लेस पे जाके फिर से रिविजिट करेंगे मेमोरीज, और मुझको इनको दिखाना है कि मैं कहाँ कहाँ घूमती थी उस टाइम पे। अच्छा, तो शाम को वो प्लान है, चलो लेट्स रिविजिट ओल्ड मेमोरीज। अगर आप पुणे पहले आ चुके हो या अगर पुणे के हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे शिवाजी महाराज का रूल था एक टाइम पे। तो हम लोग चले बाजीराव जो पेशवा थे उस वक्त के, उनके पैलेस देखने, मगर पार्किंग बिल्कुल नहीं मिला तो हम लोग बाहर से देख के आए थे। अगर आप जा रहे हैं ये जगह देखने तो संडे बिल्कुल ना जाइएगा, वीकडे आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये है वो जगह जहाँ पर ये 10 साल पहले अपने दीदी के साथ जब आती थी तो ये पूरे दुकानों पे यहाँ पे खाना, शाम को पानी पूरी, ये सब कुछ करती थी। अब सब बदल चुके हैं। यू वांट टू से समथिंग? या वी यूज्ड टू ईट पानी पूरी, डोसा एंड मिसल पाव, वड़ा पाव। नाउ ओनली फ्यू शॉप्स आर देयर एंड द स्टॉल्स आर देयर, एंड इफ यू गो लिटिल फार वी हैव अ कार, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, ये कोई भी शॉप्स को पहचान नहीं पाए मगर एक शॉप को पहचान पाई है, दारू की दुकान सबसे अभी तक है, मतलब 10 साल से कुछ भी हो दारू की दुकान से छूटा नहीं। पुणे का सफर खत्म होता है यहाँ तक, और अब हम चल रहे हैं मुंबई। बहुत बार दोस्तों से सुना था, मूवीज में देखा था कि मुंबई से पुणे का सफर बहुत प्यारा रहता है क्योंकि एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, तो मैक्सिमम 3 आवर्स अगर आप रुक के भी चलेंगे तो लगेगा। मगर यहाँ पे इतना प्यारा है, बीच में खाने की जगह था, सही लगा था रास्ता। और ये ट्रैफिक देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम रुके हुए हैं मुंबई एंटर होके। तो पहला दिन मुंबई में हम लोग रुके थे कोलाबा में, और हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग के लिए निकले थे। कोलाबा मार्केट में मैक्सिमम शॉपिंग लड़कियों के लिए होगा, एक्सेसरीज हो, कपड़े हो, बैग्स हो, शूज़ हो, सब चीज़ मिल जाएंगे लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है, एक दो चीज़ मिलेंगे। हम लोग खाना भी यहीं पे लियोपोल्ड कैफ़े में खा चुके थे। ये देख के थोड़ा मायूस हुआ था क्योंकि 2611 अटैक्स यहीं पे हुए थे एक टाइम पे। फिर बाद में हम चले सनसेट देखने मरीन ड्राइव। अगर आपको मौका मिले तो एक पूरा लेजी इवनिंग सनसेट देखते हुए या कुछ खाते हुए यहाँ पे बिताइएगा, आई एम श्योर इट्स वर्थ द टाइम। ये भीड़ देख के मुझे समझ में आया क्यों बोलते हैं कि मुंबई नेवर स्लीप्स। अगले दिन 6:30 बजे हम लोग चले गए थे गेटवे ऑफ इंडिया देखने, क्योंकि वो टाइम पे भीड़ बिल्कुल नहीं रहेगा और आप फोटो सेशंस कर सकते हैं। तो हमने कुछ फ़ोटो सेशंस किए हैं,
तो होप आपको अच्छे लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगले दिन हम लोग निकले बांद्रा वर्ली सी लिंक से अंधेरी तक। ये आप जानते होंगे बहुत ही प्यारा केबल ब्रिज है जो सिटी का ट्रैफिक को बीट कर सकते हैं हम लोग वर्ली जाने के लिए। तो जैसे आप बांद्रा वर्ली सी लिंक उतरते हैं, आपके लेफ्ट पे एक छोटा सा पार्क दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे फोटो शूट्स किए जाते हैं। यहाँ से बांद्रा वर्ली सी लिंक बहुत प्यारा दिखता है। तो हम चले ऑटो सवारी करने अंधेरी में। हमारे यहाँ कुछ दोस्त मिले थे और हम उनके साथ दो दिन बिताए थे पूरे लोकल शॉपिंग, और चले हम जुहू बीच सनसेट देखने। यहाँ पे मैंने पहली बार मुंबई का वड़ा पाव टेस्ट किया था और बहुत बहुत पसंद आया था। अब जाके समझा मैं बीच पे वड़ा पाव खाने का मज़ा मुंबई में क्या होता है। तो मुंबई से हम सीधा चले एक सीक्रेट स्पॉट पे सिर्फ 3 दिन लेजी और रिलैक्सिंग डेज बिताने के लिए। वो था हमारा सीक्रेट डेस्टिनेशन लोनावला। मुंबई और पुणे के बीच में पड़ता है और इतना प्यारा लोकेशन और ड्राइव था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सनसेट के टाइम पे हम लोग पहुँचे थे। ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था मगर क्लाउड से भरपूर। तो होप आपको ये विजुअल्स पसंद आए। फैमिली के साथ आए हो या बच्चों के साथ आए हो, यहाँ पे खाने के लिए घूमने के लिए 2-3 जगह अवेलेबल है और एक वैक्स म्यूज़ियम भी है। अगर टाइम मिले तो ज़रूर जाना। चार दिन लगातार पुणे और मुंबई घूमने के बाद हम लोग ने सोचा कि 3 दिन तो लेजी वेकेशन डेज होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं रैडिसन होटल लोनावला में, जो 2021 में खुला था, और बहुत ही प्यारा रूम मिला हमें एक पहाड़ी व्यू के साथ। इस रूम की तो एक खास बात है, वो है ये पहाड़ों का व्यू। एक गर्म चाय के साथ इस व्यू के सामने बैठने के बाद मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वापस हैदराबाद चले।
Very crucial role in the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj. In the century of 1600-1800, there is a Mughal Empire all over the India. And Chhatrapati Shivaji Maharaj started thinking about the own people, the own land, in his childhood only. And these Mawalas are well supported him to make his dream come true. Share and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on Instagram on these IDs. Thank you and bye bye until next time.